नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो आज आपकी कार्य पत्रक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। 05 डेट तो पड़ी नहीं, 05/02/2020 मतलब 21, तो महीना बीत चुका है। जैसे मैं पहले ही बताया था, मैंने 05/02/2021 फरवरी का महीना चल रहा है, टीनेजर्स फरवरी का महीना। चलो, विषय विज्ञान और विद्यार्थी का नाम, आपका अपना नाम, अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिख देना, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अभी पुनरावृत्ति की तीसरी वर्कशीट है, आप जैसे कि आपको पता ही होगा। तो एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल को दोबारा देख लेते हैं, चीज रिवीजन में चल रही है और कौन कौन सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के साथ साथ कौन कौन चैप्टर हो चुके हैं। देखो, हमारे आसपास के पदार्थ की वर्कशीट रिवीजन के अंदर नहीं आई, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, इसकी वर्कशीट की रिवीजन चल रही है। 80, 81, अब यहाँ पे जो ये है 82, तो मैं यहाँ पे 82 भी लिख देता हूँ। तो पुराने बच्चों आपको पता ही होगा कौन सी वर्कशीट कैसे चल रही होगी। परमाणु एवं अणु वर्कशीट 11 से 18 चली थी, 1964, 1927, इस प्रकार से जो आपकी वर्कशीट चलती हुई आ रही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, याद रखना ध्वनि आपका अभी तक नहीं पढ़े हैं। और एक बच्चे ने मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, बेचारे मैंने कर नहीं पाया, उसका टेस्ट चल रहा था, उसमें ध्वनि का भी क्वेश्चन था उसमें, जब आपकी वर्कशीट में ध्वनि पढ़ाया नहीं गया है, सिलेबस में नहीं बताया गया, अगर ध्वनि होता तो वर्कशीट इसकी भी आती, ठीक है। प्राकृतिक संपदा, इसकी भी आपकी वर्कशीट नहीं आई, समझ रहे हो। खाद्य संसाधनों के सुधार, इसकी भी वर्कशीट नहीं आई। बाकी ये जो तीन चीज़, एक ऊपर भी था, जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, ये भी आपकी वर्कशीट नहीं आई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस वाले क्वेश्चन में से नहीं आएंगे क्वेश्चन आपके पेपर में, क्योंकि पुनरावृत्ति का मतलब होता है सिलेबस पूरा करा के दोबारा चलना। तो ठीक है, जो आपके आज पुनरावृत्ति है, वर्कशीट 82 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्धम शुद्धम शुद्धम। चलो, रासायनिक संगठन के आधार पर, सीधे कर लो एक बार, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व, जैसे कि आप देख रही हैं, जो तत्व होता है आपका पदार्थ, उसे तत्व और यौगिक में बांटा जाता है, और जो तत्व होते हैं उसमें धातु, अधातु, उपधातु होते हैं, ठीक। आपको ये चीज़ समझाने से लिए मैंने अपने सामने ये लगा रखा है, इसे एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझा दूँ, चपका तो मैं बाद में भी दूंगा। देखो ये है, मैंने एक बार अभी आप और को समझाया था, ये देखो मैंने चपका रखा था अपने दीवार के सामने, ठीक है। ये रहा, ये सब जितने भी आपको देख रहे हैं तत्व हैं आपके, कितने भी तत्व, तत्व में होते हैं आपके धातु, अधातु और उपधातु। जो आपके ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं सार के सार, कितने हैं आपके धातु, ठीक है। और ये जितने भी आपके पीले दिखाई दे रहे हैं आपके अधातु, और ये बीच में धातु, सॉरी ये उपधातु होते हैं, जो धातु जैसे भी कभी रिएक्ट करते हैं, कभी अधातु जैसा रिएक्ट करते हैं, तो इनको बीच में रखा गया है, ठीक है। इतने सारे आपके एलिमेंट्स हैं इंग्लिश में, तत्व हैं इतने सारे, देख रहे हो। और जो आपका H2 है वो एक यौगिक है, देखते हैं कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलो, इसे तो बाद में चिपका दूंगा सेलो टेप से। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में शुद्ध होते हैं, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब जैसे आप सोडियम देखते हैं, तो सोडियम में सोडियम ही होता है, कुछ और चीज में मिक्स नहीं होती, अपने आप में विभाजित होता है। तत्वों का साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पदार्थ तत्व और यौगिक में, और तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यौगिक, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक, देखो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन कर बनाता है। याद रखना, रासायनिक संयोजन, मिश्रण में ऐसा नहीं है, मिश्रण में रासायनिक संयोजन नहीं होता, यौगिक में रासायनिक संयोजन होता है। और तत्व जब रासायनिक संयोजन करता है, एक यौगिक बनता है, तो अपना गुणधर्म पूरी तरह से बदल देता है, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शर्करा, नमक इत्यादि, नमक NaCl। यहाँ देखो एक यौगिक कैसे है, हाइड्रोजन, देखो यहाँ आपका आपका हाइड्रोजन ये रहा है आपका, ठीक है। और ऑक्सीजन भाई साहब, ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पे है ये, ठीक है। अब ये देखो आपका एक धातु, एक अधातु है, लेकिन यहाँ पे सभी तत्व हैं। दो तत्व जब एक अनुपात में मिलते हैं, दो तत्व जब एक अनुपात मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं, ठीक है। दो तत्व हैं आपके।
आगे पढ़ते हैं धातु। अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधातु उपधातु में बीच में पढ़ूंगा बाद में। धातु प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चमकीली होती है। अगर आपका इसका सब कुछ शॉर्ट चाहिए तो आप अब माई सबिसी की सॉरी टेलीग्राम का माई सबिसी क्लास सहायक सामग्री के आप अध्याय 2 पे जाइएगा। यहाँ देखो साफ पता चल जाएगा आपको तत्व। तत्व देखो यहाँ पे साफ साफ है, तत्व होते हैं कि धातु अधातु उपधातु या घात वर्धनीय तन्यता सुचालक विद्युत का और तांबा चांदी। यहाँ पे गुणधर्म जो होते हैं अधातु और धातु से मिलते जुलते होते हैं। घात वर्धनीय नहीं होता है, तन्य नहीं होता, कुचालक होते हैं। सेम इसका उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप अपनी सहायक सामग्री उठाएंगे काफी सहायता मिलेगी। ये चमकीली होती हैं, चमकदार हो, जैसे देखो लोहा देख रहे हो घिसर तो एकदम साफ लाल दिखाई दे, अरे मतलब चमकीला हुआ दिखाई देगा आपको। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। अगर लोहे को एक तरफ गर्म करो, अगर आपको इस तरह लोहे को गर्म करो तो अपने आप धीरे धीरे उस तरफ गर्म हो जाता है। जैसे कि आपने कुकर कभी टच किया ही होगा, अपने आप उसका हैंडल गर्म हो जाता है। इसीलिए उस पर ऐसी चीज लगाई जाती है जिसे विद्युत रोधी हो और ऊष्मा रोधी हो दोनों। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, बिल्कुल। ये तन्य होती, तन्य का मतलब होता है तार के रूप में खींचना। यह घात वर्धनीय, इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढला जा सकता है, इसे अघात वर्धनीय कहते हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव सोना चांदी तांबा लोहा सोडियम पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और ये सब जो धातु भी होती है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है, मतलब इसमें से विद्युत ऊष्मा एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, पास करती हैं बिना किसी मास्क लगाए। चलिए पहले मैं अधातु पढ़ूंगा, फिर मैं धातु के बाद अधातु, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करता है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, बिल्कुल। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये देखो ताप और विद्युत की सु 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 चालक, ताप और विद्युत की कु 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 चालक होती हैं, ठीक है। ये चमकीली, अभी देखो सब्र नहीं है इसमें लिखेगा, ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण और हाँ ये ध्वात्विक नहीं लिखा, ध्वानिक, इसमें से ध्वनि भी निकलती है, यहाँ लिख दिया प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती। उदाहरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन कार्बन कोल ब्रोमीन क्लोरीन इत्यादि। अगर आपको और ज़्यादा देखने हैं तो ये देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन हीलियम पोटेशियम सल्फर क्लोरीन हार्गन, ठीक है, सेलेनियम, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है ब्रोमियम, ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ से और भी देख सकते हैं आप। ये सब क्या है आपके अधातु, अधू नहीं वे अधातु होता है, थूकना नहीं है किसी को, मास्क लगा के रखना है बस। उपधातु कुछ तत्व, धातु और अधातु कुछ तत्व, धातु भैया और अधातु भैया के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं हम तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे आपके दोस्त होते हैं ना, मैं आपके साथ भी हूँ, इसके साथ भी, यार ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, तो उपधातु उसमें का है, ठीक है, बीच का बिचौलिया। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें उपधातु मेटेलॉय कहा जाता है, जैसे बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादि। जर्मेनियम याद है किसी को, देखो ब्रोमोम सिलिकॉन जर्मेनियम अरेसेनिक, ठीक है, दो टेट्रियम, ठीक है, पोलोनियम, काफ़ी धातु धासु नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो इसे अगर आप उपधातु याद करना चाहते हैं तो यहाँ से और कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा धातु अधातु और उपधातु ये सब हो चुका है। अब चलते हैं यौगिक और मिश्रण के अंदर, यौगिकों के मिश्रण में आप देखेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर। अगर आपको ये तो इसे बाहर निकाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप इसका देखो पिछले वाली वर्कशीट का भी याद आ गया मेरे को, याद क्या है देखो, ये पिछले बार की वर्कशीट 81 में चला गया यार पढ़ाते में, तो ये सब चीज़ें थी। अगर आपको ये नया लग रहा होगा, नया बिल्कुल भी नहीं है, आगे से आप प्रिंट आउट तो नहीं निकलवाओगे, कितना प्रिंट आउट निकलवाओगे, माई सी बी सी क्लास बस निकलवाते हैं बाकी। तो देखो ये रहा कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, यहाँ पे देखो पहले एरोसोल फोम झाग से इमल्शन सोल फोम, ठीक है, सब दे रखा है। जैसा अगर आपको लग रहा हो ये सब कुछ नया सा अजीब सा ये नहीं आएगा, नहीं, आपके बच्चों प्यारे पहले से ही वर्कशीट सपोर्ट मटेरियल में पहले दे रखी है। इसमें आपको दिखाने क्या वाला था आज, मैं इसे हटो भैया, हम वर्कशीट 82 पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना, अगर आपको लग रहा कि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है, देखो मिश्रण और यौगिक, आप यहाँ से मिश्रण और यौगिक के भी अंतर
पढ़ सकते हैं, लौह तथा गंधक का मिश्रण, ठीक है। लेकिन पढ़ लेते हैं हम इसी में से, वर्कशीट में से आए तो वर्कशीट पढ़ते हैं। कहने का मतलब सब कुछ आपको यहीं से आ रहा है। और धातु अधातु के प्रकार, यहाँ देखो यहाँ पे भी धातु अधातु के प्रकार दे रहते हैं। धातु अधातु उपधातु चमकदार होती है, लोहा सोना चांदी हीरा, हीरा नहीं आएगा, हीरा बिल्कुल नहीं आएगा प्यारे बच्चों, सोना चांदी सही है। यौगिक मिश्रण तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, बिल्कुल नया, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जल एक नया गुणधर्म का की चीज बनाते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। कोई नया यौगिक बनेगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, जो बनकर तैयार हुआ है। पानी देखो कि हर जगह एक जैसा ही दिखाई देगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, बदल भी सकता है। स्थायी विलयन, ठीक है, विलयन कह रहे हैं, मिश्रण, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। आगे जाके आपके नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, बिल्कुल नए पदार्थ जो होते हैं इनके गुणधर्म पूरी तरह चेंज होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग अलग हैं, लेकिन जैसे इनका यौगिक बनता है जल, इसका गुणधर्म टोटल अलग हो जाता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल। इसमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत, यही खास बात है इसमें याद रखना, रासायनिक या वैद्युत रसायन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इनको भौतिक विधियों से हम अलग ही नहीं कर सकते यौगिक को, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हो जाती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे प्रश्न अब आ चुके हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित को तत्वों यौगिकों और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। इसे बढ़ने से पहले मैं आपके सपोर्ट मटेरियल, उसी सपोर्ट मटेरियल का, ठीक है, पेज नंबर 29 है, आप यहाँ पे जाके देखिएगा। मैं साथ के साथ ये भी बता देता हूँ, चित्र में दिए गए पदार्थों तत्व और यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। इसमें तत्व और यौगिक में आपको वर्गीकृत करना है। इस वाले मिश्रण में दे दिया गया है, ठीक है, तो इसे आप करके बताइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इसमें से भी आ सकता है, याद रखना सेम टू सेम। तो ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण सोडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम आपको दिखाई देता हूँ, सोडियम आपका, सोडियम 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 आपका ये रहा सोडियम, ये 11 पे सोडियम मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद चांदी, चांदी चांदी का मतलब क्या होता है आपका, चांदी 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 चांदी, ये रहा सिल्वर, ठीक है, ये रहा, ये भी आपका तत्व है। टीन, अब टीन टीन टीन, तो टीन तो टिन 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 50 पे था ना, देखा 50 किधर है यहाँ पे, ये रहा 50, ये रहा 50, SN, टिन टिन को SN से दिखाते हैं। और आपका इसके बाद देखो कैल्शियम, तो यहाँ पे था दो चीज़ें थी, मैंने काटा क्यों, यहाँ पे देखो कैल्शियम तो मैंने लिख लिया था, ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे है आपका, ये रहा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मैंने लिख लिया था, लेकिन हुआ क्या, फिर कैल्शियम आगे बढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट है, चलो फिर कैल्शियम कार्बोनेट आपका किस में चला जाएगा, यौगिक में। अब इसके बाद फिर लास्ट में मैंने फिर पढ़ा के फिर कैल्शियम अलग से दे दिया, देखो यहाँ पे कैल्शियम लिखने के बाद फिर काटा, फिर लास्ट मुझे कैल्शियम दोबारा लिखना पड़ा। तो टीन सिलिकॉन कैल्शियम आपके तत्व हैं, यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मीथेन आपका यौगिक में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मिश्रण मिट्टी चीनी का घोल और हवा, ये आपके मिश्रण के अंदर आते हैं। तो प्रश्न नंबर एक का आंसर जो है काफ़ी अच्छे समझ में आएगा प्यारे बच्चों, और जो आपका सपोर्ट मटेरियल का है उसको आप मुझे बताइएगा। और आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, ऑक्सीजन तत्व है, यौगिक है या मिश्रण, ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ। तो सारे ले लिया था हमने में से। प्रश्न दो, निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताएं, इनके नाम बताने हैं आपको, चलो। तो पहला है बिना बुझा चूना, हाइड्रोजन सल्फाइड, बेकिंग सोडा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ये रहा आपका। प्रश्न दो, यौगिक तत्वों के नाम, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अंदर है हाइड्रोजन सल्फर, बेकिंग सोडा के अंदर होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट के अंदर आपका होता है पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। इनका इसने रासायनिक सूत्र नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था कि हो सकता है आपको इससे याद हो जाएगा, तो बाकी आप चीज़ें तो याद कर लोगे। छोटा सा ये वाला हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, बेकिंग सोडा Na सोडियम होता है, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, NaHCO3, पोटेशियम सल्फेट
K2SO4, K से पोटेशियम, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, K2SO4। हाँ, लेकिन मैंने एक नहीं लिखा है, बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे आपको बताना है, अगर आप अगर पढ़ रहे हैं, पेपर पास में आ गया है, तो आपको बिना बुझा हुआ चूना का आपको सूत्र नीचे लिखना है। देखते हैं किन किन बच्चों का सही है और किन किन बच्चों का गलत। जिसका सही होगा अच्छी बात है, गलत होगा उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समझाएं कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं। ठीक है, पानी के यौगिक है, ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने किस प्रकार से लिखा है, काफ़ी सिंपल है आपका। ठीक है, आंसर तो बस इतने से इतने में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये लिख लीजिएगा ताकि और अच्छे समझ में आएगा। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु व ऑक्सीजन का 1 परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं तो पानी या जल का 1 अणु बनता है। जल एक यौगिक है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में है तथा मेन यहाँ से है तथा इसके बीच रासायनिक संयोजन हुआ है, इसके बीच रासायनिक संयोजन हुआ है, इसलिए यह एक यौगिक है ना कि मिश्रण। ठीक है, मिश्रण में रासायनिक और ये दोनों के गुणधर्म बदल चुके हैं पूरी तरह से, जैसे आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, और क्योंकि जल के गुणधर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पूरी तरह भिन्न हैं, इस प्रकार से भी हम एक यौगिक कहते हैं, जबकि मिश्रण में यौगिकों के गुणधर्म जबकि मिश्रण में तत्वों के गुणधर्म नहीं बदलते, जैसे रेत और पानी। इसे और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, आप इतने से भी काम चला सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम बताएं। यदि इस यौगिक में तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाया जाता है तो विकसित गैस का नाम बताएं। अब ये आपको मैं आपकी बुक से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखो ये है आपकी बुक। ठीक है, बुक ये देखिए, विज्ञान 2019-20 में कहा, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है आपका 28 भी देखेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। लौह के चूर्ण में सल्फर चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं, पहला समूह है। अब दूसरा समूह क्या कर रहा है, देखो यहाँ और बच्चा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं, मिश्रण को तीव्र, याद रखना तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें, याद रख, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्म करने की बात कर रहे हो, और हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा कर दें, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे समूह एक में है, समूह दो में, समूह एक में देखो, समूह एक में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्राप्त गैस हाइड्रोजन गैस है, यह रंगहीन है, और दूसरे प्राप्त हाइड्रोजन गैस सल्फाइड है, प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। अच्छे से दिख रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखो दो गैसें हैं, आपका एक हाइड्रोजन है और दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ठीक है, अब चीज़ें क्या हैं कि पहले वाले में गर्म नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ देखो पहले वाले में गर्म नहीं किया गया है, दूसरे वाले में तीव्र ताप पर। अब यहाँ पे मैं अगर आपका प्रश्न पढ़ता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लौह चूर्ण और सल्फर मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम बताएं। यौगिक का नाम तो लौह सल्फाइड होगा, यौगिक का नाम लौह सल्फाइड होगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना, अभी लिखना नहीं है। लौह सल्फाइड होगा यदि इस यौगिक को तनु अम्ल में मिलाया जाता है, जो यहाँ पे गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो उस टाइम पे मुझे हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लग दिया, लेकिन गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, जब पहली स्थिति में बस मिलाने पर, दूसरी स्थिति में तीव्रता पर, तीव्रता मतलब गर्म करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ कर लीजिएगा, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। बस इसमें यही एक था, वो तो ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं, ये साथ के साथ आपको दिखाता रहा, जिस वजह से एरर जो थी वो पता चल गई, कोई बात नहीं। अब मैं भी अगर कंप्यूटर से लिखता प्यारे बच्चों, तो मैं भी इसे डिलीट करके कर दोबारा लिख लेता, मेरी गलती भी पता नहीं चलती, नहीं, लेकिन हम तो हाथ से लिख रहे हैं तो बच्चों, तो मेरी तो गलतियाँ थोड़ी सी हो ही जाती हैं, उसे तुम कट ही कर सकते हैं, नहीं तो पूरा काटो, पूरा दोबारा से लिखो। अब कंप्यूटर वाइज लिखते तो जस्ट एरर कर देते उसे हम, ठीक है, और हटा के दूसरा लिख देते, पता भी नहीं चलता। गलतियाँ बच्चों सबसे हो जाती हैं, ये मानता हूँ मैं, उम्मीद है चीज़ें आप समझेंगे, और प्यारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।